नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका सिविल सॉल्यूशन में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारा ऑटोकैड ट्यूटोरियल सीरीज़ का फोर्थ लेसन है। इससे पिछले लेसन में हमने सीखा था यूनिट को कैसे सेटअप किया जाता है, और हमने जाना था डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे सारे पीछे के ट्यूटोरियल वीडियो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले पिछले के सारे लेसन्स देखिए, जिससे कि आपको इस लेसन को समझने में आसानी होगी। तो चलिए आज का लेसन हम शुरू करते हैं। तो आज के लेसन में हम सीखेंगे सर्कल। तो सर्कल बनाने के लिए हम सिंपली कमांड लाइन में टाइप करेंगे सी एंटर। तो जैसे ही आप सी एंटर प्रेस करोगे तो आपको कमांड लाइन में यहाँ पे शो करेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल और 3P 2P TTR। अब यहाँ पे ये कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल, यानी कि आपको सर्कल का सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना है, और यानी कि या फिर 3P 2P TTR, या फिर आपको 3P 2P और TTR की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सर्कल बनाना है। तो सबसे पहले हम स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल के अकॉर्डिंग सर्कल बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम 3P 2P और TTR को समझेंगे। तो हम सर्कल का सेंटर पॉइंट कहीं पे भी स्पेसिफाई कर देते हैं। उसके बाद आपको कमांड लाइन में यहाँ पे शो करेगा ये स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल और डायमीटर, यानी कि आपको या तो सर्कल का रेडियस को स्पेसिफाई करना है या फिर उसका डायमीटर स्पेसिफाई करके आपको सर्कल बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम रेडियस के अकॉर्डिंग सर्कल बनाना सीखेंगे। तो इसमें रेडियस आपका डिफ़ॉल्ट रहता है, इसमें आपको कोई कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सपोज कीजिए आपको बनाना है 10 mm रेडियस का एक सर्कल बनाना है। तो सिंपली आपको कीबोर्ड से कमांड लाइन में टाइप करना है 10 एंड प्रेस एंटर। यहाँ पे आपका 10 mm का रेडियस का ये सर्कल बन के तैयार हो गया। अब अगर आपको इसकी डायमेंशन चेक करनी है तो आपको एनोटेशन पैनल में जाना होगा। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है रेडियस से हमने बनाया था, तो हम रेडियस को सेलेक्ट करेंगे एंड देन हम सर्कल पर क्लिक करेंगे, तो हमें इसकी डायमेंशन यहाँ पे शो कर देगा। हमने 10 mm रेडियस का सर्कल बनाया था, तो हमारा ये यहाँ पे शो कर रहा है रेडियस 10। डायमेंशंस को कैसे चेक किया जाता है, यूनिट को कैसे सेटअप किया जाता है, ये हमने थर्ड लेसन में सीखा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, जिससे कि आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। तो चलिए, ये तो हमने रेडियस के अकॉर्डिंग सर्कल बनाना सीख लिया। अब सपोज कीजिए आपको डायमीटर को स्पेसिफाई करके कोई सर्कल बनाना है, तो उसके लिए हम कीबोर्ड से कमांड लेंगे सर्कल की सी एंटर। उसके बाद हमें क्या करना है, सर्कल का फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है। हम फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करेंगे एंड देन हमें किसके अकॉर्डिंग बनाना है, डायमीटर के अकॉर्डिंग। या तो आप माउस से यहाँ पे सिंपली डायमीटर पे क्लिक कर दीजिए, या फिर इसकी शॉर्टकट की होती है डी एंटर। ये ब्लू कलर में डी आपको यहाँ पे दिखा रखा है, जिसका मतलब इसकी कमांड क्या है, डी एंटर। अब क्योंकि हमें डायमीटर को स्पेसिफाई करके हमें सर्कल बनाना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे डायमीटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ माउस से एंड देन यहाँ पे कह रहा है स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि हमें सर्कल का डायमीटर हमें इसको बताना है। तो सपोज कीजिए आपको 10 डायमीटर का सर्कल बनाना है, तो सिंपली मैं कीबोर्ड से 10 प्रेस करूंगा और एंटर। यहाँ पे आपका ये 10 mm डायमीटर का सर्कल बन गया। इसके डायमेंशन चेक करने के लिए हम जाएंगे एनोटेशन पैनल में, और हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पे डायमीटर, देन सर्कल पे हम क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे दिखा रहा है ये 10 mm डायमीटर का सर्कल। तो ये तो था हमारा, अगर आपको रेडियस और डायमीटर को स्पेसिफाई करके अगर आपको सर्कल बनाना हो। उसके बाद हमारा आता है 3P 2P, तो हम सी एंटर करेंगे। अब यहाँ पे दिखा रहा है 3P 2P और TTR, तो इनका मतलब क्या है। तो 3P का मतलब होता है 3 पॉइंट, 2P का मतलब होता है 2 पॉइंट, और TTR का मतलब होता है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। तो सबसे पहले हम 3P को समझेंगे। तो 3P को समझने के लिए मैं कोई भी एक शेप बना लेता हूँ पहले, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्योंकि हमारे यहाँ पे सर्कल कमांड एक्टिव है, तो इस कमांड से बाहर आने के लिए मैं एस्केप दबाऊंगा। हम इस कमांड से बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं लूंगा लाइन कमांड। लाइन कमांड की हमारी शॉर्टकट की है एल एंटर। तो लाइन कमांड हमारे यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है। अब कोई भी मैं एक यहाँ पे एक ट्रेंगल बना लेता हूँ। हमारी एक शेप बन गई ट्रेंगल की। एस्केप कमांड से बाहर आ गए। एंटर दबाने से आपकी करंटली जो आपने कमांड यूज़ की है वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगी। देखिए लाइन कमांड दोबारा से एक्टिव हो गई। यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन और ले लेता हूँ। चलिए एस्केप से मैं कमांड से बाहर आ जाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हम समझेंगे 3 पॉइंट को। 3 पॉइंट सर्कल बनाने के लिए हम सर्कल की कमांड लेंगे सी एंटर।
उसके बाद हमें 3 पॉइंट का सर्कल बनाना है, तो हम सिंपली 3P पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे या फिर कीबोर्ड से 3P प्रेस करके हम एंटर दबा देंगे। तो आपका यहाँ पे हो गया 3 पॉइंट सर्कल, यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ये कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्कल। तो अब यहाँ पे देखिए, हम एक ऐसा सर्कल चाहते हैं जो कि इस ट्रायंगल के तीनों पॉइंटों को टच करता हुआ निकले, तो यहाँ पे होगा हमारा 3 पॉइंट सर्कल का यूज़। तो कमांड लाइन में हमें यहाँ पे ये कह रहा है फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्कल, यानी 3 पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट आपको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया, देन स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट ऑन सर्कल, सर्कल का सेकेंड पॉइंट हमें स्पेसिफाई करना है, तो सेकेंड पॉइंट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। इसके बाद थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट हमारा ट्रेंगल का ये हो गया जिसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, हमारा जो सर्कल है वो ट्रेंगल के तीनों पॉइंट को टच करता हुआ बन गया। ये था हमारा 3 पॉइंट सर्कल। इसी तरह से अगर आपको 2 पॉइंट सर्कल बनाना है तो उसके लिए हम 2 पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले सर्कल कमांड दोबारा से एक्टिव करेंगे। उसके लिए हम सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने से क्या होता है, रिसेंटली आपने जो भी कमांड यूज़ किया है वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगी। इससे पहले हमने सर्कल कमांड ली थी, तो देखिए दोबारा आपके यहाँ पे सर्कल कमांड दोबारा से एक्टिव हो गई। अब क्योंकि हमें 2 पॉइंट सर्कल बनाना है, तो सिंपली हम 2P पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे माउस से, या फिर कीबोर्ड से आप 2P प्रेस करके एंटर दबा सकते हैं। अब यहाँ पे कमांड लाइन में हमें ये शो कर रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल का फर्स्ट पॉइंट हमें स्पेसिफाई करना है। फर्स्ट पॉइंट हमने स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पे शो कर रहा है सेकंड एंड पॉइंट ऑफ सर्कल, यानी सेकंड पॉइंट हमें सर्कल का स्पेसिफाई करना है, तो सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। अब देखिए, इस लाइन के दोनों पॉइंट को टच करता हुआ हमारा ये 2 पॉइंट सर्कल यहाँ पे बन गया। ये था हमारा 2 पॉइंट सर्कल। अब इसके बाद हमारा आता है TTR, यानी टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। तो उसके लिए हम सर्कल की कमांड लाइन दोबारा से एक्टिव करेंगे, सी एंटर। अब क्योंकि हमें TTR बनाना है, यानी टेंजेंट टेंजेंट रेडियस बनाना है, तो सिंपली हम इसको माउस से यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, या फिर आप कीबोर्ड से TTR दबा के एंटर प्रेस करके आप TTR को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली माउस से क्लिक कर दे रहा हूँ TTR पे। तो जैसे ही आप TTR पे क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे ये शो करेगा स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्कल। अब TTR का मतलब क्या होता है, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। अब देखिए, सर्कल के पैरामीटर से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा टच करता है तो उसका वो क्या बन जाता है, टेंजेंट। तो TTR में बेसिकली आपको दो टेंजेंट को सिलेक्ट करना होता है और उसके बाद उसका रेडियस स्पेसिफाई करके आपको सर्कल बनाना होता है। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्कल, यानी कि फर्स्ट टेंजेंट आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूँ फर्स्ट टेंजेंट को। इसके बाद यहाँ पे शो कर रहा है स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड टेंजेंट, यानी सेकेंड टेंजेंट हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सेकेंड टेंजेंट को सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे शो कर रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि आपको किस रेडियस का सर्कल बनाना है वो रेडियस आपको यहाँ पे डालनी है। तो सपोज कीजिए आपको 20 mm रेडियस का सर्कल बनाना है, तो सिंपली मैं कीबोर्ड से 20 प्रेस करके एंटर दबा दूंगा, तो आपका ये 20 रेडियस का सर्कल बन गया। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों सर्कल के टेंजेंट को टच करता हुआ 20 mm रेडियस का ये सर्कल आपका बन गया। ये था हमारा TTR, यानी टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। सर्कल में हमारी एक कमांड और होती है TTT, यानी टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। वो आपको सर्कल कमांड में यहाँ पे शो नहीं करेगा, उसके लिए आपको जाना होगा ड्रा पैनल के सर्कल में। और यहाँ पे देखिए, हमने 2 पॉइंट को बना लिया, 3 पॉइंट को भी बना लिया हमने, TTR यानी टेंजेंट टेंजेंट रेडियस को भी हमने बना लिया। अब लास्ट में आता हमारा टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, तो हम इसको यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करेंगे। अब टेंजेंट 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 का मतलब क्या है, कोई भी 3 टेंजेंट आपको सेलेक्ट करने हैं, उन तीनों टेंजेंट को टच करता हुआ आपका सर्कल बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, हमारे 3 सर्कल ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं, तो यहाँ पे इन तीनों सर्कल के हम टेंजेंट को सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट टेंजेंट हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, सेकंड हमने यहाँ पे कर लिया, और थर्ड इसको यहाँ पे कर लिया। अब देखिए, इन तीनों सर्कल के टेंजेंट को टच करता हुआ हमारा ये सर्कल बन गया है। ये था हमारा TTT। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारी सर्कल कमांड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में कुछ नई कमांड के साथ। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू।